ये देखिए साबूदाना कुरकुरे बनके तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसे किसी भी आटा डिब्बे में भर के रख दीजिए, ठंडा करके एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होते हैं। और ये आप इसे चाय के साथ सर्व करिए, आप ऐसे भी खा सकते हो। तो बच्चों को तो ये खास तौर से बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है, देखिए काफ़ी क्रिस्पी बने हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए तो ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना के कुरकुरे। तो उसके लिए देखिए हमने ये साबूदाना लिया, तो इसको हमने भिगा दिया था 4 से 6 घंटे के लिए। तो देखिए साबूदाना एकदम ऐसे हाथ से मैश हो रहा है। तो हमें इस टाइप का साबूदाना चाहिए। और ये उबले आलू हैं जिनको हमने कद्दूकस किया है। और ये रोस्टेड मसाला है, ये सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर है, इसमें दोनों हमने मिक्स करके लिया है। और ये अमचूर पाउडर और जीरा है। तो हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इतना मसाला डाल रहे हैं। बाकी अगर आप व्रत में नहीं बना रहे तो इसमें चाट मसाला है और भी जो भी फ्लेवर आप चाहें तो वो ऐड कर सकती हैं। तो देखिए आलू हमने अच्छे से इनको मैश कर लिया था। तो इन सबको बनाने से पहले हमने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है साबुन से। तो इसको देखिए, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। तो ये हम रोस्टेड मसाला ले रहे हैं, ये काली मिर्च और नमक, ये जीरा और अमचूर पाउडर। और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा साबूदाना डाल के एक अच्छा सा इसको हम डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे, बहुत अच्छे से इसको हमें तैयार करना डो। ये देखिए ये इसका डो अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच के करीब घी डाल देंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसके कुरकुरे तैयार करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए, इसका डो भी अच्छे से सेट हो गया है। हमने एक ये मशीन ली है तो हम इससे बनाएंगे। तो इस टाइप का मेरे पास में है तो हम इसे बना रहे हैं। अगर आप पास सिंगल है, बड़ा है तो उससे आप बना सकती हैं। तो इसको हम पहले अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से, अंदर बाहर से करके। देखिए इसको हमने ग्रीस कर लिया। अभी इसको हम एक छोटा सा लेंगे, इसको हम सिलेंडर टाइप में बना लेंगे। इस टाइप से और इसमें हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा और डाल दे रहे हैं, इस टाइप से हम डाल करके और इसके हम कुरकुरे तैयार करेंगे इस टाइप से। ये देखिए ये हमने इसमें घी लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकती हैं। और इसमें हम ये अब कुरकुरे तैयार करेंगे। तो हम हल्के हल्के चलाते जाएंगे, हल्के हल्के से। इस टाइप से हम डाल के इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं कुरकुरे, इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो इसी तरह हम और भी जो हैं सब बना लेंगे। ये देखिए ये सारे कुरकुरे बनके तैयार हो गए साबूदाना के। ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और आसानी से बनते हैं, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होते हैं ये। तो आप इन्हें स्टोर करके भी 1 हफ्ते के लिए रख सकती हैं। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए साबूदाना कुरकुरे बनके तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। आप इसे किसी भी आटा डिब्बे में भर के रख दीजिए, ठंडा करके 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होते हैं। और ये आप इसे चाय के साथ सर्व करिए, आप ऐसे भी खा सकते हो। तो बच्चों को तो ये खास तौर से बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है, देखिए काफ़ी क्रिस्पी बने हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए तो ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।